press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजपा के अध्यक्ष किरोड़ीलाल मीणा के भाजपा में शामिल होने से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। समय के साथ समझौता करना ही राजनीति है। इस समय भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में पुनः सरकार कैसे बनाए, इसे लेकर डैमेज कंट्रोल में लगी है। वहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे के गठन से कुछ खास लक्ष्य तय नहीं कर पाने पर डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने भाजपा को अपना घर बताते हुए घर वापसी को ही बेहतर समझा। हालांकि उपचुनाव के समय से ही डॉक्टर किरोड़ी मीणा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। आखिर 11 मार्च को भाजपा कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित तीन विधायकों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और भाजपा के मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा की सदस्यता हासिल की। इस दौरान पार्टी कार्यालय में डॉक्टर किरोड़ी लाल के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। दो बार सांसद, तीन बार विधायक, एक बार जिला प्रमुख रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मतभेदों के चलते पार्टी से किनारा कर लिया था। 2013 में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर 134 सीटों पर चुनाव भी लड़ा, जिसमें मात्र 4 सीटों पर जीत मिल पाई। लेकिन अपने समाज में मजबूत पकड़ होने के चलते राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं दूसरी तरफ हुए उपचुनावों के परिणामों ने भाजपा की जड़ें हिलाकर रख दी। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा में शामिल होने से राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। रविवार भाजपा कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में भाजपा के तीनों विधायकों का माला पहनाकर स्वागत किया और भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राजे ने डॉक्टर किरोड़ी लाल के अपने घर वापसी की बात कहते हुए कहा कि हम सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इसी मंच पर उन्हीं के कार्यालय में वापस आए हुए बैठे हुए डॉक्टर, उनके साथ गोलमा जी, गीता जी, सब हमारे मंत्रीगण उपस्थित, सब भाई, सब कार्यकर्ता बंधु, मैं कह नहीं सकती हूँ आज कि मैं हृदय से कितनी खुश हूँ कि हमारे घर वापस लौटने का काम डॉक्टर ने किया। और मैं आज वाकई में मेरे आंखों में आंसू आ गए डॉक्टर साहब। आप ऐसे रोज करते नहीं, आंसू कई किस्म के आते हैं, बहुत सारों में, परंतु आज आपने दिल को पसीज दिया और जो आंसू मेरे आंखों में आए हैं, जिस मार्मिक तरीके से और जिस प्यार भरे शब्दों में, वो भी जरा मुश्किल मानता होता है, और जिस प्यार भरे तरीके से आपने, गोलमा जी ने, गीता जी ने, आपने तो मैंने कमाल कर दिया, क्योंकि आपके दिल की 10 साल की जो भावनाएं थी वो फूट के हम सबके सामने आई हैं, और हम अपने दिल को खोल के आपके सामने रख नहीं सकते, परंतु हमारे मन में भी इतने ही सालों में यही भावना होती थी कि ये हमसे आज गए कैसे, आप नहीं है, ये परिवार एक ही है, ये एक तरफ हम, एक तरफ थोड़ी सी ताक जहाँ वहाँ हो जाती थी विधानसभा के अंदर, परंतु मैं ये कह सकती हूँ कि आज आपके शब्दों से, आपके कार्यकर्ताओं के आने से और आपके आज वापस इस पार्टी के अंदर अपने पार्टी का विलय करने से, जो पुराना हम लोगों का रिश्ता था और जो हम मानते थे बार बार कि ये रिश्ता, ऐसा रिश्ता ऊपर का रिश्ता हो ही नहीं सकता, जब इतना लंबा रिश्ता है, जब हम लोगों ने इतने बार एक दूसरे के साथ मुसीबत के समय में निकल के अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ी है, तो हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे अलग हो जाए कि एक दूसरे को देख नहीं सके, एक दूसरे से बात ही नहीं कर सके। और मुझे आज ये देखते हुए इतनी खुशी है कि मैंने जो सोचा था वो आपने सोचा था, भले ही हम इस तरफ बैठे थे और आप उस तरफ बैठे, और मुझे ये खुशी है कि वो छोटा सा रास्ता, उसको भले 10 साल लग गए हो डॉक्टर साहब, परंतु आप भी और हम भी, हम लोग सब अपनी इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ही इस पार्टी में हैं, यहाँ खड़े हैं, और हमारे आदरणीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस पार्टी को मजबूत बनाने का जो सपना आपने देखा था और देख रहे हैं, वो भी हम सबने देखा है और आगे देखेंगे। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि भाजपा की विचारधारा का व्यक्ति हूं, 10 सालों बाद वापस अपने घर लौटा हूं। इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी विधायक गोलमा देवी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे डर था कि बुढ़ापे में गोलमा साथ देगी या नहीं, क्योंकि भाजपा भी मेरा पुराना घर है और विधायक गीता भी भाजपा में प्रधान रह चुकी है, लेकिन गोलमा के लिए भाजपा नया घर है। और गीता जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस बार एमएलए के चुनाव में चुके हैं, वो भी पुराने घर में आई। लेकिन गोलमा जी के लिए ये नया घर है। मेरे को कोई चिंता नहीं होती इस राजनीतिक घटनाक्रम पर अलवर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जन भाजपा के खिलाफ है। डॉक्टर किरोड़ी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना तो यह है कि कोई असर नहीं होने वाला है, वो अपने पुराने घर में वापस चले गए हैं, उनको हम बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमने देख लिया है कि पिछले जो चुनाव हुआ है, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें समाज के अंदर एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। उन्हें अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए थे और उससे कांग्रेस को एक तरह से जो समाज है, ST समाज है, वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस का हरदम साथ भी है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी हरदम मदद करी है। गरीबों के साथ कांग्रेस हरदम रहती है और उनने वो बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा अलवर के अंदर कि बहुत सारे प्रयास उनके और उनके सहयोगी द्वारा करे गए, लेकिन सबसे हाईएस्ट परसेंट वोटों से राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी जीती। भाजपा कार्यालय में हुए राजपा के भाजपा में विलय कार्यक्रम में मंत्री यूनुस खान, कालीचरण सराफ, प्रभुलाल सैनी, डॉक्टर जसवंत यादव, संगठन प्रभारी भजन लाल सहित अनेकों विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल मिलाकर भाजपा के शेष नेतृत्व की राजनीति के तहत यह सब चला। पिछले दिनों अलवर आए बाबा रामदेव के समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ से अटकलें शुरू हो गई थी। साथ ही उपचुनाव में भी किरोड़ीलाल मीणा की शांति से भाजपा की तरफ झुकाव नजर आया था और देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी का साथ वसुंधरा की नैया पार करा पाता है या नहीं।